मुरादाबाद में मामा के ऊपर भांजे ने डाला एसिड, मामा गंभीर रूप से घायल। न्यूज वन लिए मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र स्थित रहमत नगर में घटी घटना ने दिल दहला दिया। दरअसल सुबह 8 बजे करूला के रहमत नगर निवासी मसरूर पर उसके भांजे इमरान ने जानलेवा हमला बोलते हुए उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया और मौके से फरार हो गया। तेजाब फेंकने की खबर ने पूरे इलाके में हड़कंप मच दिया। सूचना पर 100 डायल मौके पर पहुंची और पीड़ित मसरूर को उठाकर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी भांजे ने तेजाब अपने मामा के सिर और चेहरे पर उड़ेला था, जिसके चलते घायल अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा है। घायल का इलाज कर रहे डॉक्टर ने उसकी हालत पर जानकारी देते हुए बताया कि 100 लेकर पहुंची थी, इलाज किया जा रहा है। वही इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सीओ कटघर सुदेश गुप्ता भी स्वयं जांच में लगे हुए हैं। इस घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि मामा भांजे का एक मकान को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते इमरान ने अपने मामा मसरूर के ऊपर तेजाब डाला है। पूरे सिर्फ क्या मामला है, भांजे ने मामा के ऊपर जो करूले और रहमत नगर में जो तेजाब डाला, पूरा मामला क्या है? मसरूर और इमरान मामा भांजे हैं। आज सुबह 7:45 बजे सूचना प्राप्त हुई कि मसरूर के ऊपर तेजाब डाला गया है उसके भांजे द्वारा और वह अस्पताल में एडमिट है। इस सूचना पर जब दरोगा जी को रवाना किया गया मौके पर, तो ज्ञात हुआ कि इनका आपसी मामा भांजे का मकान को बेचने को लेकर विवाद है, पैसे को लेकर। इसी संबंध में इमरान द्वारा मसरूर के ऊपर तेजाब फेंका गया है। मसरूर अभी जिला अस्पताल में एडमिट है और उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में सूचना प्राप्त हो गई है, FIR करा के आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो सर कितना जला है मसरूर को? अभी उसका चेहरा जला हुआ है और हाथ भी थोड़ा बहुत जला हुआ है और 326 में उसका अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी हो पाई? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।